kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 1 by Brain Root series. And this is a book, children. The name is Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 5 and the name is Grandma. So yes, hum is chapter mein grandma se related stories padhenge. So this is a poem. Let's see what's written in the warming up. So grandparents are the ones who make a complete family after our parents. तो हमारे parents के बाद हमारे grandparents हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं और वो हमारी family को complete करते हैं. Let's read this poem about grandma. Grandma की एक story है आपके सामने, वो हम पढ़ने वाले हैं. So let's start with this poem. So grandmas are for stories about things of long ago. So first जो two lines है उसमें poet क्या कहते हैं, grandmas are for stories about things of long ago, means grandma क्या है, हमें stories सुनाती हैं. और कैसी stories? लॉन्ग अगो, बहुत पहले ऐसा हुआ था, बहुत पहले ऐसा हुआ था. तो ग्रैंडमा हमें ऐसी स्टोरी सुनाती हैं, जो पुरानी स्टोरीज है वो हमें ग्रैंडमा सिखाती हैं. ग्रैंडमाज आर फॉर केयरिंग अबाउट ऑल द थिंग्स यू नो. सो ग्रैंडमा क्या करती हैं, हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं. जो भी चीज़ें हमें आती हैं उन सब चीज़ों का क्या करती हैं, वो केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं. Grandmas are for rocking you and singing you to sleep. Grandmas हमें rock करती हैं. तो अभी हमने last chapter में पढ़ा था ना, किटी अपने baby brother को rock करती है, ऐसे grandmas हमें rock करती हैं, means वो हमें झूला झुलाती हैं और जब हम सोते हैं तो हमारे लिए सुंदर सुंदर लोरियां गाती हैं. Grandmas are for giving you nice memories to keep. Grandma हमें प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर memories देती हैं. Grandmas are for knowing things that you are dreaming of. Grandma क्या है, हमारे सारे सपनों के बारे में जानती हैं, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो वो सारे सपने हमारे सारे dreams को जानती हैं. But the most importantly of all, grandmas are for love. लेकिन इन सब चीजों से भी जो आगे है वो ये है कि grandma हमें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. So in this poem हमने क्या पढ़ा कि grandma हमें stories सुनाती हैं जो बहुत पुराने time की होती हैं. Grandma हमारा ध्यान रखती हैं. Grandma जो है हमें झूला झुलाती हैं, हमें सुंदर सुंदर लोरियां सुनाती हैं, वो हमारी मेमोरी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज देती हैं और वो हमारे ड्रीम्स के बारे में भी जानती हैं. इन सब के ऊपर ग्रैंडमा क्या करती हैं, हमें सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं. सो क्या आपकी ग्रैंडमा भी आपसे इतना ही प्यार करती हैं? गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. सो ग्लॉसरी में फर्स्ट वर्ड है केयरिंग. सो केयरिंग का मीनिंग है टू लव एंड लुक आफ्टर, किसी को प्यार करना और उसका ध्यान रखना. रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब है मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू पुट चिल्ड्रेन टू स्लीप, आगे पीछे जाना बच्चों को सुलाने के लिए झूला झुलाना. मेमोरीज क्या है, थिंग्स दैट यू रिमेम्बर, ऐसी चीजें जो आप याद रखो. अगो मीन्स बिफोर एंड नाइस का मतलब है गुड. Now let's move on to book exercise, children. Let's move on to comprehension. A exercise, multiple choice questions. So here the first one is, what stories does grandma tell? Grandma हमें कैसी stories सुनाती हैं? Stories of long ago, stories of ghost means भूतों की stories सुनाती हैं, stories of fairies परियों की कहानियां सुनाती हैं, या फिर बचपन की स्टोरीज चाइल्डहुड स्टोरी सुनाती हैं. तो वो हमें लॉन्ग अगो की स्टोरी सुनाती हैं. नाउ सेकेंड वन, व्हाट मेमोरीज आर गिवन बाय ग्रैंडमा. ग्रैंडमा हमें कैसी मेमोरीज देती हैं, नाइस सैड हैप्पी और बिटर. सो जल्दी से यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड डू एज अ होमवर्क. नाउ थर्ड वन, व्हाट आर ग्रैंडमास फॉर, ग्रैंडमा किस लिए हैं, गुड टाइम के लिए, लव के लिए,
taking care or telling stories. So they are for love. वो प्यार करने के लिए हैं हमें. Now let's move on to fill in the blanks using help box. तो help box में से जल्दी से हम आंसर ढूंढते हैं और फटाफट फिल करते हैं. Dash are for stories. So what will come here? Grandmas. Let's write here grandmas. Grandmas are for dash you. Rocking you. Let's write here rocking you. Grandmas sing for you to dash. Do it as your homework. Grandmas gave nice dash to keep, nice memories to keep. Now grandmas are for dash, they are for love. तो जो भी आपका बचा है that will come in third one. So do it yourself children. Now let's quickly move on to write true or false for the following sentences. Grandmas are for love, क्या वो love के लिए है? Yes, true. Grandmas tell stories of fairies, क्या वो fairies की story बताती है? No, false. Grandma shared nice memories, वो अच्छी memories हमें सिखाती हैं, सुनाती हैं, yes, true. Grandmas do not know about things you are dreaming of. Grandma को हमारे सपनों के बारे में नहीं पता होता क्या? No, this is false. So children, these are your exercises. And with this, the chapter is over. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned, learn the poem, and thanks for watching.